डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के ऊपर बात कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के अंदर जिन चंद टॉपिक्स के ऊपर हमने बात करनी है उसमें टीचिंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग है, अफेक्टिव टीचिंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ अफेक्टिव टीचिंग देखेंगे, फिर अप्रोचेस कौन सी हैं, फैक्टर्स ऑफ फॉर अफेक्टिव टीचिंग कौन सी है, कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट कौन सा है, और लास्टली करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अफेक्टिव टीचर क्या है। जो स्टूडेंट है, टीचर और लर्नर के दरमियान में एक ताल्लुक है और वो इंटरेक्टिव ताल्लुक है। सो इंटरेक्टिव, जब तक उसमें इंट्रैक्शन नहीं होगी, वार्म रिलेशनशिप नहीं होगा, एक अच्छा ताल्लुक नहीं होगा, टीचिंग नहीं हो सकती। फॉर्मल भी हो जाती है, इनफॉर्मल भी, एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में भी सीखता है और ओपन एनवायरनमेंट में भी सीखता है। तो जब हम एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं तो एक्सपीरियंसेस से हम एक तरह से इनफॉर्मल अंदाज में सीख रहे होते हैं। फिर आर्ट क्राफ्ट एज वेल एज साइंस है। सो टीचिंग आर्ट भी है, जैसे हम कहते हैं कि टीचिंग इज एन आर्ट, ये एक फन है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। सो आर्ट भी है और साइंस भी है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ए प्रोसेस। विदाउट प्रोसेस आप टीचिंग के अमल को नहीं मुकम्मल कर सकते। सो आर्ट एज वेल एज साइंस है, कभी भी वन साइडेड नहीं हो सकती। मैं हूँ, आप अगर नहीं हैं तो फिर टीचिंग नहीं है। स्टूडेंट है तो टीचर है, टीचर है तो फिर करिकुलम है, करिकुलम है तो फिर टीचिंग आएगी। सो कभी भी नहीं, अगर स्टूडेंट नहीं है तो वहां पे टीचिंग नहीं होगी। सो इट कांट बी वन साइडेड, ये टू और मोर देन टू पर्सन के दरमियान में ताल्लुक होगा। सो इसी तरह से ये इंडिपेंडेंट एक्टिविटी भी नहीं है, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी के तौर पर भी बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशन जो है वो उस तरह से नहीं आएगी जहाँ टीचिंग की बात हो रही है। हाँ, एक सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग तो हो सकती है, बट सेल्फ डायरेक्टेड टीचिंग नहीं आपको मिलेगा। सो इंडिपेंडेंट लर्निंग तो होती है, टीचिंग इंडिपेंडेंट नहीं होती। ये दो कॉन्सेप्ट जैसे हैं। फिर प्लान्ड एक्टिविटी है, मैंने आज प्लानिंग बेहतर तौर पर नहीं कर पाया, मैं पहले से अपनी सारे रिसोर्सेज को नहीं मैनेज कर पाया, सारे रिसोर्सेज को मैं चेक नहीं कर पाया, तो फिर मुझे इस तरह के मसाइल का सामना जो है वो करना पड़ा। डायग्नोस्टिक और रेमेडियल है, टीचिंग है कि जिसके अंदर हम तलबा की उन वीकनेसेस, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके मुताबिक फिर आगे उनको तदरीस भी उनकी कर पाते हैं। फिर इसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल जो है वो डोमिनेट करती हैं। अगर टीचर के पास नॉलेज है बट ही या शी कैन नॉट कम्युनिकेट दैट नॉलेज टू हिज स्टूडेंट्स, तो फिर टीचिंग नहीं हो सकती। सो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं ये बड़ी अहम है। अब जो दूसरों तक बात पहुंचाने की महारतें जो हैं, इसी तरह से डेमोक्रेटिक है, मैं अगर कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं आपसे भी उसके बारे में राय लेता रहूँ, आपसे भी पूछता रहूँ, आपसे भी मुझे जो इन्फॉर्मेशन है आपसे भी मुझे आती रहे। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये होंगी तो टीचिंग होगी, अगर नहीं होंगी तो टीचिंग नहीं होगी। सो टीचिंग जो है ये डेमोक्रेटिक होती है, और फिर टीचिंग ऐसी है कि जो मोटिवेशन कॉज करे, जो तलबा के अंदर तहरीक लेकर आए। तलबा के अंदर तहरीक कौन सी हो, ये एक मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं तो ये कंडीशंस ऑफ लर्निंग में भी बड़ी अहम कंडीशन है। तालम की शरायत, जो सीखने की शरायत हैं, और उसमें मोटिवेशन या तहरीक बहुत आम है इंट्रिंसिकली और एक्सट्रिंसिकली। टीचर को चाहिए कि वो तलबा के अंदर मोटिवेशन जो है वो बरकरार रखे, ना सिर्फ बरकरार रखे बल्कि लेकर आए। जो टीचिंग प्रोफेशनल इन करेक्टर है, जब हम टीचर की बात करते हैं तो टीचर प्रोफेशनल कहलाता है। टीचिंग एक जो पेशा है ये एक तरह से उसी तरह से प्रोफेशनल पेशा, जैसे आपकी डिग्री प्रोफेशनल डिग्री है। सो इस प्रोफेशनल डिग्री के बाद आप जिस प्रोफेशन के अंदर जाओगे तो फिर वहाँ पर एज ए प्रोफेशनल फर्द के तौर पर जाओगे, प्रोफेशनल टीचर के तौर पर जाओगे। प्रोफेशनल क्या होता है, प्रोफेशनल की करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि वो फर्द जो है वो अपनी किसी भी तरह की जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको साइड लाइन रख के अपने लर्नर्स की इंटरेस्ट को सामने ले आता है। सो उसके सामने लर्नर्स की इंटरेस्ट सामने आ जाती है, वो कमिटेड हो जाता है, उसमें उसके अंदर कमिटमेंट होती है। एक तरफ कमिटमेंट है, एक तरफ पैसा है। सो वो पैसे को छोड़ देगा, कमिटमेंट की तरफ जाएगा। सो प्रोफेशनल के अंदर कमिटमेंट है, प्रोफेशनल के अंदर जो है वो डेडिकेशन है, प्रोफेशनल के अंदर जो है
वो डिजायर्स और इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर जो है उनको सामने रखते हुए तदरीस करना है। तो ये टीचिंग की मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपके सामने बयान की। अजीज तुलबा, उम्मीद है कि इस टॉपिक के अंदर कवर किए गए तमाम सवरात के बारे में आपको समझ आ गई होगी। अब नए सेशन में नए टॉपिक के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह तमाम का हामी और नासिर हो।